जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक नए रूट पर वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है, जिसका रैक आपको अगले महीने ICF कोच फैक्ट्री से पहुंचने वाला है। और एक अलग टाइप का वंदे भारत होने वाला है, जो अभी नॉर्मली वंदे भारत यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारतीय रेलवे दौड़ा रही है, उससे कुछ अलग इस वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने की है। तो क्या इसमें खास होने वाला है और किस रूट पर भारतीय रेलवे इसे दौड़ाने वाली है, इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे ने देश भर में यात्रियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। अब नए रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फराटा भरने वाली है। भारतीय रेलवे ने देश भर में यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी दी है। अब नए रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फराटा भरने वाली है। ICF कोच फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़े रेलवे पैसेंजर कोच मेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक एक टॉप अधिकारी ने बताया कि ICF जल्द ही जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन रैक शुरू करेगा। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा लहराने के बाद जनरल मैनेजर बीजी मालिया ने कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ICF के पास फिलहाल दो बड़े प्रोजेक्ट है। पहला वंदे भारत मेट्रो प्रोजेक्ट, जो कि पूरी तरह से एयर कंडीशन इंटरसिटी ट्रेन सर्विस होगी। ICF इस साल मार्च तक वंदे भारत मेट्रो प्रोटोटाइप तैयार करने का प्लान बना रहा। बीजी मालिया ने इस वंदे भारत प्रोजेक्ट को लेकर और अधिक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगला प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन रैक मुहैया कराना है। यह ऐसा है जिसे बदलती जलवायु परिस्थिति के हिसाब से इसे बनाया जा रहा है। हमें ऐसी उम्मीद है कि यह रैक जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सही है, सप्लाई के मोर्चे पर हम कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद पिछले साल ICF ने 50 वंदे भारत रैक तैयार की, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और दोस्तों जो भारतीय रेलवे अभी फिलहाल में जो चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग अन्य रूटों पर की है, जो कि अभी फिलहाल में 40 से 41 वंदे भारत दौड़ रही है। कई रूटों पर एक से लेकर चार वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने की है, और कुछ रूटों पर एक से दो वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने की है, अभी फिलहाल में चल रही है। तो जो जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है, वो अन्य चेयर कार वाली वंदे भारत से अलग होने वाली है, क्योंकि उस रूट पर ठंडी के कारण कई प्रकार की समस्या आती है, जिसको देखते हुए इस वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है, ताकि आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर रूट पर इस ट्रेन फराटा भरेगी तो किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसीलिए इस वंदे भारत का निर्माण ICF बहुत देख रेख करके कर रही है, और उसमें कई फीचर्स लगा रहे हैं, जो कि आपको अन्य चेयर कार वाली वंदे भारत जो दौड़ रही है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये रैक आपको बहुत जल्द भारत ICF कोच फैक्ट्री में तैयार हो जाएगा। और मालिया साहब का कहना है कि इसे अगले महीने यानी कि फरवरी महीने में इसे इस रैक को जम्मू कश्मीर के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये देखने वाली बात रहेगी, जो ICF कोच फैक्ट्री में नया रैक तैयार हो रहा है चेयर कार वाली वंदे भारत का कश्मीर के लिए, इसमें कौन कौन से फीचर भारतीय रेलवे ने अलग लगाए हैं, इसकी जानकारी जो भी निकल कर सामने आएगी सबसे पहले मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे द्वारा रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी, कुछ अलग वंदे भारत का डिजाइन कश्मीर के लिए किया गया है, कौन कौन से फीचर इसमें अलग से लगाए गए हैं इसकी जानकारी मिलती है तो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों इस रूट के बारे में और इस नई वंदे भारत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।